जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MLS The Toppers Factory में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 सितंबर यानी आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए पहले करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडिया की पावरफुल टैंक जोरावर की सक्सेसफुल टेस्टिंग। तो DRDO द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली जो इंडिया की लाइट टैंक जिसका नाम जोरावर है उसको सक्सेसफुली जो है वो टेस्ट कर दिया है। लाइट वेट हैवी पावर जोरावर एक हल्का टैंक है लेकिन इसकी फायर पावर काफी इंप्रेसिव है। अगर हम इसके वर्सेटिलिटी की बात करें तो इस टैंक को अलग अलग जमीन पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वो पहाड़ हो या रेगिस्तान। डिफिकल्ट प्लेस पे भी इसकी जो मोबिलिटी है वो काफी ज्यादा रैपिड देखने को मिलती है। और जोरावर में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इसे बहुत सटीक और खतरनाक बनाता है। इसकी गति और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो दुश्मनों को तेजी से हमला करने में कैपेबल बनाती है। तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि DRDO के द्वारा कौन सा इंडिया का लाइट टैंक है जिसको रिसेंटली टेस्ट किया गया है। तो इसका आंसर जाएगा दैट विल बी द जोरावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हम लोग बताते चले, जो बच्चे 2025 के लिए जामिया MBBLLB की तैयारी करना चाह रहे हैं वो इस राइजर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बैच में आपको टोटल 200 प्लस लाइव सेशंस मिलेंगे एंड रिकॉर्डेड सेशंस, 20 ऑनलाइन मॉक्स, PDF मटेरियल्स एंड डेली बेसिस पे आपको जो है कंटेंट मिलेगा जो क्विज के फॉर्मेट में होता है, वन लाइनर एंड MCQs के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। और डेली द हिंदू एडिटोरियल मिलेगा एंड साथ में क्लासेस जो होंगी एग्जाम तक होंगी और गाइडेंस एंड मेंटरिंग सेशन मिलेगा। तो इस बैच के लिए क्लोजिंग डिस्काउंट जो है वो 30% का ऑफर दिया गया है, 20 सितंबर तक ही रहेगा। और इसका जो कूपन कोड है वो है सामरा 30 को कूपन को यूज करके आप 30% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसकी डिटेल के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये जो अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो चेंज करके श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान देना है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है श्री विजय राम रखने का जो डिसीजन है हमारे रिच इतिहास से जुड़ा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस रिनेम का ऐलान किया जिसे कल्चरल आइडेंटिटी को मजबूत रखने का प्रयास एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। रीनेमिंग का जो कनेक्शन है साउथ ईस्ट एशिया के एंशियंट एंड पावरफुल श्री विजय एम्पायर से है जो मैरीटाइम ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल निभाता था। ये मूव भारत की पुरानी मैरीटाइम हिस्ट्री को रिवाइव करना और अंडमान एंड निकोबार की हेरिटेज को सेलिब्रेट करने का एक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है किस सिटी का जो नाम बदल करके श्री विजयपुरम रख दिया गया है। तो आंसर जाएगा दैट इज अ पोर्ट ब्लेयर। आई नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिक्सटेनस्टाइन एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक न्यू फंडिंग एग्रीमेंट को साइन किया गया है। और ये जो साइंड एग्रीमेंट है ये 2021 से 2028 तक चलेगा। और इसके अंदर टोटल जो कंट्रीब्यूशन जो किया गया 3.268 बिलियन यूरोज या फिर 3.62 बिलियन US डॉलर। तो इतना अमाउंट जो है वो इस फंडिंग के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और नॉर्वे जो है इस फंडिंग का 97% जो पार्ट है वो प्रोवाइड करवाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट मूव बताया जा रहा है नॉर्वे की तरफ से। तो इस फंडिंग का जो मुख्य गोल है वो यूरोप में सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करना है, जिसमें नॉर्वे सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। 97% ऑफ फंडिंग जो है वो अकेला नॉर्वे दे रहा है। ये एग्रीमेंट यूरोप के ग्रीन ट्रांजेक्शन में मदद करेगा जिससे सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है कि किस एग्रीमेंट के द्वारा रिसेंटली जो है नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिक्सटेनस्टाइन एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा 3.262 बिलियन यूरोज का जो है वो फंड जो है इकट्ठा किया गया है 2021 लेकर 2028 तक। तो आंसर जाएगा EEA, दैट इज द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया एंड द नॉर्वे ग्रांड एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच में किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में रूरल रोड्स के लिए 320 मिलियन डॉलर का लोन मंजूर किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 900 किलोमीटर के जो रूरल रोड को अपग्रेड किया जाएगा जो फ्लड और पुअर कंडीशन का शिकार है। क्लाइमेट रिसाइलेंट डिजाइन एंड रोड सेफ्टी इनहेंसमेंट एंड सस्टेनेबल मेंटेनेंस प्रैक्टिस को भी शामिल किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि कितना अमाउंट जो है लोन अप्रूव किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ताकि जो रूरल रोड जो है उसको रिहैबिलिटाइज किया जाएगा इन खैबर पख्तूनख्वा इन पाकिस्तान। तो आंसर जाएगा 320 मिलियन डॉलर का। आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। टाइम ने वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 की लिस्ट जो है वो जारी किया है। और इस लिस्ट के अंदर टोटल 1000 कंपनीज हैं। और 1000 कंपनीज के अंदर हम लोग बात करें तो 22 जो है इंडियन कंपनीज हैं इसके अंदर, राइट। तो टाइम की वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 लिस्ट में HCL टेक, अदानी ग्रुप, रिलायंस, इंफोसिस, विप्रो जैसी इंपॉर्टेंट इंडियन कंपनीज जो है वो भी इसके अंदर आई है। अगर हम लोग बात करें HCL टेक की तो इसका जो रैंक है 112 है।
और इन्फोसिस की बात करें तो रैंक इसकी 119 है, विप्रो की 134, अडानी की 736 और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो 646 जो है इसकी रैंकिंग है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि कितनी इंडियन कंपनी जो है टाइम्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2024 लिस्ट के अंदर है। तो आंसर जाएगा दैट इज 22 इंडियन कंपनीज। आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करिए, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको पता है हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी ड्यूरेशन में ईरान ने चमरन 1 सैटेलाइट का सफल लॉन्च किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ईरान ने 60 किलोग्राम वजन वाले चमरन 1 रिसर्च सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस लॉन्च के लिए ईरान ने केम 100 रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जिसका फारसी मतलब होता है अपराइट, जो कि रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। ये आपको ध्यान देना है। और इसके ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो चमरन 1 जो है 550 किलोमीटर की ऑर्बिट में रखा गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्बिटल मैन्यूवर टेक्नोलॉजी के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम का टेस्टिंग करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वेस्टर्न का कंसर्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वेस्टर्न देश जो है वो इस लॉन्च पर चिंता जता रही है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, आने वाले टाइम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट का भी एक मूव हो सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, विच सैटेलाइट डिड कैम 100 रॉकेट यूज करते हुए किस सैटेलाइट को ईरान ने जो है लॉन्च किया। तो आंसर जाएगा दैट इज चमरन 1 सैटेलाइट। तो ये नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ने रत्नो एलपी मरसूदी को वाटर के स्पेशल एनवॉय के रूप में अपॉइंट किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये आपको ये नाम ध्यान देना है, दैट इज रत्नो एलपी मरसूदी ऑफ इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया के हैं। और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ये आपको नाम याद होना चाहिए, राइट। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है एज ए स्पेशल इन्वॉय वाटर के लिए, स्पेशल इन्वॉय के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है इस अपॉइंटमेंट का जो मेन उद्देश्य है वो है वाटर एजेंडा को आगे बढ़ाना है, यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस के आउटकम पर ध्यान देना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। मरसूदी यूनाइटेड नेशन 2026 वाटर कॉन्फ्रेंस के लिए इन आउटकम्स का प्रयोग करेंगी और साथ में ग्लोबल वाटर प्रोसेस को सपोर्ट भी करेंगी। तो इनका काफ़ी अहम रोल होने वाला है। अगर हम स्पेशल वाटर की बात करें तो स्पेशल इन्वॉय बना है, इससे क्या होने वाला है, इसका इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड वेरियस इंटरनेशनल वाटर प्रोसेस के बीच में एक सिनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, मरसूदी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 SDGs को पूरा करने के लिए काम करेगी, जो कि 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, मरसूदी अपने रोल पर जो वाटर रिलेटेड का जो की रोल है वो क्या होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6G क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये इसका मेन गोल होने जा रहा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो देखिए, अपेदा एंड लुलू ग्रुप ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ग्लोबल प्रमोशन के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपेदा की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, उसकी पार्टनरशिप हुई है। अपेडा और लुलू ग्रुप ने इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए MOU को साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। लुलू ग्रुप ने UAE स्टोर्स में इंडियन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज को शोकेस करेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अपेडा जो है रिसेंटली इसने पार्टनरशिप किया है किस UAE की कंपनी के साथ, जिससे वो इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को UAE के अंदर प्रमोट कर सकेंगे। तो आंसर आएगा था लुलू ग्रुप इंटरनेशनल। तो ये नेक्स्ट कंट्री पे देखते हैं, कनाडा से रिलेटेड ये अपडेट आ रहा है। कनाडा ने टेलीसेट लाइट स्पीड के लिए लार्जेस्ट स्पेस प्रोग्राम फंडिंग का ऐलान किया है, कि फंडिंग एग्रीमेंट की घोषणा की है। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। अगर हम इसके गोल एंड बेनिफिट की बात करें तो टेलीसेट लाइट स्पीड कनाडा का सबसे बड़ा स्पेस प्रोग्राम होगा, जिससे इंटरनेट एंड 5G की कनेक्टिविटी जो है वो एक्सपैंड होगी। तो ये आपको ध्यान देना है। और कम्युनिकेशन की बात करें तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगा, जो द लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क है तेजी से इंफॉर्मेशन भेजने और प्राप्त करने में मदद करेगा, और 2030 तक सभी कैनेडियंस को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने में सहायक होगा 2030 तक। ये गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये जो नेटवर्क कनाडा की सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगा और नाटो और नोराड के मॉडर्नाइजेशन को भी सपोर्ट करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है कितना फंड एलोकेट किया है टेलीसेट लाइट स्पीड के लिए, तो इसका आंसर जाएगा दैट इज $2.14 बिलियन। तो इस वीडियो के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।